तो सर जी, स्वागत है आप लोगों को मेरे एक और न्यू बेहतरीन वीडियो के अंदर। और इस वाले वीडियो के अंदर हम ब्रॉन्ज 1 से ग्रैंड मास्टर तक पुश करेंगे, वो भी बिना गन स्किन यूज किए। हाँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ा बहुत मुश्किल तो होगा, लेकिन तुम्हारा भाई का आदत है मुश्किल चैलेंज लेने का। तो इस चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए तो सबसे पहले मैं एक न्यू आईडी ओपन करता हूँ, क्योंकि यार वो मेरा मेन आईडी में मैं ऑलरेडी इलाइट हीरोइक पहुंच चुका हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग में से 6% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, जिन लोगों को भाई बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने भी नहीं किया है यार कर दो, क्योंकि यार इससे मेरे को मोटिवेट मिलता रहता है, जिससे मैं जल्दी जल्दी वीडियो ला सकूं। तो अब बिना किसी देर के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग वाला 7-8 मैच तो सारे के सारे बॉट ही आए होते हैं, तो सारा सीन मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि यार मैं बॉट को मार के मॉन्टेज नहीं बनाना चाहता। अब ऐसे ही करते करते मैं ब्रॉन्ज से सिल्वर 1 में चला जाता हूँ, और सिल्वर 1 से सिल्वर 3 में। और अब बारी थी बंदे को मारने का। तो इस वाले मैच के अंदर मैंने जिस बंदे को हेडलिस्ट किया था, वो वाला बंदा इस घर के ऊपर बैठा था। तो मैं झूल के ऊपर आ जाता हूँ और इस वाले बंदे को ट्रोल करके मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे को मार ही डाला था इधर। तो उधर से मैं थोड़ा बहुत लूट के इधर झूल के आ जाता हूँ इधर ऊपर, क्योंकि यार इधर एक बंदा पोर्टल यूज करके आया था। तो इसको भी मैं स्टार्टिंग में तो ट्रोल करके मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा काफी गुस्से में लग रहा था। लिटरली मैं इधर 2 HP में बच जाता हूँ। उसके बाद मैं एक सुपर मेडी कर लेता हूँ और इधर एक ग्लू मेटल डाल के इस वाले कंटेनर के पीछे छुप जाता हूँ। और वो वाला बंदा मेरे को मारने के लिए जैसे ही आता है, मैं एक बहुत गंदा वाला सरप्राइज देता हूँ इसको, लेकिन ये वाला बंदा इधर से नीचे कूद जाता है और इस वाले बंदे को कोई और फिनिश कर लेता है, जो कि मेरे को सहन नहीं होता। मेहनत हम करे फल कोई और चुरा, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैं इधर से झूल के नीचे की ओर चले जाता हूँ और इस वाले बंदे को देता हूँ बहुत प्रसाद खतरनाक वाला। हाँ, और इसी के साथ साथ मेरे इधर 6 किल हो गया था और बस लास्ट में 5 ही बंदे बचे थे। और उधर से मैं झूलते झूलाते हिलाते हुए जा रहा था कि मेरे को गाड़ी में एक बंदा दिखता है, जिसको मैं बहुत आसानी से मार लेता हूँ। और इधर से मैं दुआ करने लगता हूँ कि काश सारे बंदे ऐसे ही मिले, और होता भी कुछ ऐसा ही, ऊपर वाला मेरा सुन जाता है और सामने मेरे को 2 बॉट दिखते हैं, जिसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। और लास्ट वाले बंदे को ढूंढते ढूंढते जा रहा था कि वो बंदा खुद मर के मेरे को इजीली भुया मिलता है, जिसकी वजह से इस मैच से मेरे को टोटल 73+ मिलता है। और इसके बाद मैं दूसरा मैच स्टार्ट करता हूँ, और इस वाले मैच में दूर से एक बंदा मेरे को पुचुक पुचुक करके SBD मार रहा था, तो मैं सीधा मॉन्स्टर ड्रॉप उसके पास वाले ड्रॉप में ठोक देता हूँ। इस वाले बंदे को तो थोड़ा मोटा हार्ट अटैक आ गया होगा इसकी वजह से। बट ये बंदा मेरे को थोड़ा वो डैमेज मार रहा था, तो मैं उधर के एक डायलॉग मारने लगता हूँ, मुझे मार सके ऐसा तेरा दम नहीं, मेरा MB40 किसी से कम नहीं। हाँ, यही डायलॉग मारा था, बेचारा हंस हंस के सुकून से मर गया होगा शायद। और इसके बाद एक बंदा कलेक्टर और से इधर ऊपर की ओर आ रहा था, और इस वाले बंदे को मैं इतना इजीली मार लेता हूँ, साला मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे पैरों के नीचे एक चींटी दब के मर गया हो भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और इसके बाद मैं इधर ऊपर आके इतना ज्यादा बॉडी शॉट मारता हूँ ना कि इस बॉडी शॉट के लिए मेरे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना चाहिए। लॉन्ग रेंज से तो सारे बॉडी शॉट ही लग रहे थे, तो मैं हेडशॉट मारने के लिए शॉर्ट रेंज में आ जाता हूँ। और इधर मैं इतना क्रिंज हरकत करता हूँ ना, शॉर्ट में ग्रोजा मार रहा हूँ और MP40 उठाने के बदले ये क्या चला रहा हूँ मैं। वो तो अच्छा हुआ मैं प्रो था, तो मैं इसको इजीली मार लेता हूँ इधर। और ऊपर जाके एक बंदे को M249X से पहलता हूँ, और उसके बाद इधर नीचे आके दूसरे को भी। और लास्ट में मेरे अलावा सिर्फ 2 ही बंदे बचे थे, जिसमें से एक इधर ऊपर वाला साइड था, जो कि मेरे को राडार की वजह से दिखाई दिया। और ये वाली लड़की ना डबल स्नैपर चला रही थी। हाँ, मतलब चलाने वाला नहीं तो आती है नहीं, डबल स्नैपर उठाओ बस। और हाँ, ये बंदा मेरे से चालाकी कर रही थी। अरे यार, जिसका IQ अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है, वो बंदे के सामने ये अपना दिमाग यूज कर रही थी, तो मैं उसको उसका ओका दिखा देता हूँ इधर से। और लास्ट वाले बंदे को मैं जस्ट ढूंढ रहा था कि वो स्पॉट हो जाते है वो वाली लड़की जो कि इधर नीचे थी, तो मैं थोड़ा सा फ्लेक्स करने लगता हूँ इसके सामने। हाँ, ग्लूल लगा के, और एंड द एंड में इसको मार ही देता हूँ। और 76+ के साथ साथ मैं सिल्वर से गोल्ड में चले जाता हूँ। और इसके अगले वाले मैच में भी मैं फार्मटोपिया के ऊपर गिर के इधर से भाई बंदे को इतना मार रहा था, बंदे लोग भी सोच में पड़ गए होंगे। और इधर से 3-4 किल करके मैं नीचे से उतर जाता हूँ, और उतरते ही मेरे को आगे एक बंदा दिखता है जो कि गाड़ी से आ रहा था, तो मैं इसकी गाड़ी इजीली फोड़ देता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि M249X था मेरे पास, और जिससे अच्छा खासा डैमेज भी देता हूँ मैं इसको। और अब बाहर निकल के मैं इसको मारने वाला था, ये 3 सेकंड के लिए और ही बन जाता है, लेकिन कोई ना, 3 सेकंड के बाद मैं इसको इजीली मार लेता हूँ। और इसको मारने के कुछ ही देर बाद मेरे को आगे एक बंदा दिखता है जो कि एक गाड़ी में था, और उसको तो मैं इजीली मार लेता हूँ इसको भी। और हाँ, इसको मारने के बाद लास्ट में हम सिर्फ 2 ही बंदे बचते हैं, और एक आखिरी वाला बंदा इधर ऊपर था, हाँ वो भी गाड़ी में ही था। मैं इसको बहुत खतरनाक वाला डैमेज देता हूँ हेडशॉट का, और उधर के गुलवा लगा लेता है, तो मैं भी रस करने के लिए क्लोज में चले जाता हूँ। और इधर ऊपर आके एक मशीन डिप्लॉय कर देता हूँ, इससे होता ही है कि भाई इससे भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता रहेगा उस वाला बंदी को, लेकिन मैं उसको इजीली सोनिया कर देता हूँ। और ये बंदी डाउन होने के बाद रिवाइव हो रही थी, तो मैं इसको रिवाइव होने देता हूँ सबसे पहले तो, और जैसे ही रिवाइव होती है हील पिस्तौल से खत्म कर लेता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ इसके साथ थोड़ा बहुत बुरा तो हुआ है, लेकिन इतना तो चलता है यार,
और इस वाले में ऐसे मेरे को टोटल 85 का प्लस मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं गोल 2 में चले जाता हूँ बड़े आराम से। और इसके अगले वाले में से ये दूर वाला बंदा मेरे को काफ़ी खतरनाक वाला डैमेज देता है, लेकिन एंड में इसको इजीली मार देता हूँ। और इसको मारने के साथ साथ इधर मेरा 5 किल हो गया था और अब लास्ट में सिर्फ 5 ही बंदे बचे थे। और इसके बाद मैं इधर से निकल जाता हूँ और एक बंदा सेफ जोन की ओर जा रहा था, तो मैं इसको बॉडी हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ बड़े आराम से। और इधर वेंडिंग मशीन के पास आके एक बंदे को हेडलिस कर लेता हूँ। और हेडलिस वाले बंदे के पास जा ही रहा था कि जाते जाते मेरे को गाड़ी में एक बंदा दिखता है जो कि मिसा कैरेक्टर के बिना ही जीप चला रहा था, तो मैं इसको इजीली मार देता हूँ बॉडी शॉट मार के। और अब बाहर इसी लास्ट में हेडलिस वाले बंदे को मारने का, अब इस वाले बंदे को मारने के लिए मैं प्लाजरिया आ जाता हूँ। और इस वाले जगह में भाई बहुत ढूंढने के बाद मेरे को फाइनली वो बंदा दिखता है, लेकिन एक बुलेट इसको हेडशॉट करने के बाद मैं उधर ऊपर छत की ओर चले जाता हूँ और इधर से एक नीचे फ्रैंक मार लेता हूँ और घुस जाता हूँ सीधा अंदर। और घुसने के बाद ही खत्म कर लेता हूँ इसको इजीली। और इस वाले में से मेरे को टोटल 72 का प्लस मिलता है और ऊपर से 4 का स्ट्रिक भी था। और था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार इस वाले मैच में मैं मर जाता हूँ लेकिन यार इस वाले मैच में काफी खतरनाक वाला फाइट हो रहा था। इधर मैच स्टार्ट हुआ भी नहीं, मैंने ऑलरेडी 6 किल किया हूँ, बट एंड इस वाले बंदे के हाथों में लास्ट में मर जाता हूँ। बट खैर कोई ना, इसके बाद मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ। और इस वाले मैच में इधर आगे एक बंदा था जो कि मेरे को छुप छुप के देख रहा था, ठीक, तो मैं इधर से एक बम कुक करता हूँ और उसके मुंह पे फेंक देता हूँ सीधा, जिससे 80 का डैमेज आ जाता है उसके ऊपर और रस कर देता हूँ। और पूरा हेडशॉट मारने के बाद इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। और तभी एंट्री होता है एक मोटो ब्लॉगर का जो कि बिना कैरेक्टर स्किल बाइक चला रहा था, बट ये बंदा चाहता तो इधर से इजीली भाग सकता था लेकिन इस बंदे को तो चुल मची थी। ये बंदा बाइक को यू टर्न मार के लेके आता है और सीधा दीवार के पास ठोक देता है, तो मैं तो इसको इजीली मार देता हूँ। और मैं भी इधर से गाड़ी लेके असेंबलिंग की ओर जा रहा था, मेरा गाड़ी अटक जाता है इधर रास्ते में और एक बंदा इधर उतर के मेरे को ऐसे फाइट लेने लगता है जैसे चुटकी में खत्म कर देगा मेरे को, लेकिन मैं इधर आके अपने पोजीशन जैसे ही लेता हूँ ये बंदा अपने गाड़ी में चढ़ के भाग जाता है इधर से। अब मैं इधर 101% श्योर हूँ कि जब तक मैं इसका मॉन्स्टर ट्रक नहीं फोड़ दूँ ये बंदा बाहर निकलेगा नाम ही नहीं लेगा। इसी वजह से मैं इधर ग्लाइडर यूज करके बस जा ही रहा था कि वो बंदा गाड़ी से नीचे कूद जाता है। ये मादर अब उधर से मैं सीधा फैक्ट्री की ओर आ जाता हूँ। और इधर जिंदगी में पहली बार बिपना नाम की लड़की मेरे ऊपर रस कर रही थी, लेकिन इस बिपना को ये नहीं पता कि मैं इसका बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा प्रो हूँ। अब इधर से मैं मेडिक करने के बाद लास्ट जोन की ओर चले जाता हूँ और इधर दो बंदे लोग आपस में लड़ रहे थे और मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये वाला बंदा वो पहले मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा होगा, तो मैं पहले तो इधर आता हूँ और एक ग्लू मेटल कर लेता हूँ। उसके बाद ग्रेनेड का इतना बारिश करता हूँ ना कि ये बंदे का फटके 4 हो जाता है सर जी। और ग्रेनेड भी इतना परफेक्ट कि सारे ग्रेनेड से इस बंदे के ऊपर डैमेज आ रहा था, तो एंड दी एंड ये बंदा पेड़ के पीछे छुपता है और उधर भी मैं एक ग्रेनेड कर लेता हूँ जिससे भाई काफ़ी खतरनाक वाला डैमेज होता है, तो सीधा रश कर देता हूँ मैं पहले तो और इसको ईजिली ख़त्म कर लेता हूँ। और अब बस लास्ट में हम दोनों ही बंदे बचे थे। और ये वाला बंदा कितना खतरनाक था ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गोल्ड 3 में मेरा टक्कर वाला बंदा आएगा, लेकिन खैर इसके साथ फाइट करके मेरे को बहुत मजा आया। ये बंदा मेरे सारे मूव को काउंटर कर रहा था, इवन मेरा ग्रेनेड को भी। और मैं इधर से उस वाले बंदे को कुछ बॉडी शॉट मारता हूँ और पीछे से सेवन की ओर जाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन तभी ये बंदा बम बारी करने लगता है। लेकिन मेरे पास 2 तात्सुया एक्टिव हो चुका था, तो मैं इसका फुल एडवांटेज लेता हूँ इधर। लिटरली ये वाला बंदा मेरा हेलमेट तोड़ देता है और मैं बस 2 HP में बचा हूँ इधर। खैर अब इधर से मेरे को 97 का प्लस मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं गोल्ड 2 से 3 में चले जाता हूँ। और उसके बाद मैं कुछ मैच और खेल लेता हूँ जिसकी वजह से मैं चले जाता हूँ गोल्ड 4 में। और उसके बाद इस वाले मैच में तो सबसे पहले तो मैं इसको AW को एक फटका मार देता हूँ और दूसरे फटके में तो मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। और उसके बाद आएगी और एक बंदा था जिसको जंपिंग हेडशॉट मार के खत्म कर लेता हूँ। और हाँ, इस वाले शॉट के लिए मेरे को 100,00,000 चाहिए यार, मेरे को नहीं पता, बस जैसे भी करके करवा दो 100,00,000। अब इधर से मैं गाड़ी लेके सेवन की ओर जा ही रहा था कि मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको एक फटका मार लेता हूँ बॉडी शॉट AWM का और उसके बाद ही वॉल लगा लेता है, ठीक है। और इतने में मेरा काइरोस कैरेक्टर भी एक्टिव हो जाता है, तो मैं रश कर देता हूँ सीधा और अगेन मैं इसको एक 150 मार लेता हूँ और ये लड़की पेड़ के पीछे आती है, तो मैं डबल तात्सुया यूज करके इसको फिनिश कर लेता हूँ बड़े आराम से। और इधर से मेरे को 80 का प्लस मिलता है और इसके बाद मैं एक आखिरी वाला मैच खेलता हूँ, ठीक है। और इस वाले मैच में तो मैं 7 से बस नीचे आ ही रहा था और पीके ऊपर लैंड होता हूँ मैं और इधर आगे एक बंदा स्पॉट होता है मेरे को और इस वाले बंदे को मैं बड़े आराम से इजीली मार लेता हूँ MP40 से। और हाँ, इस वाले पिक के नीचे भी भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे लोग फाइट खेल रहे थे, तो बिना किसी देर के सबसे पहले तो मैं इधर से थोड़ा बहुत लूटता हूँ और इधर नीचे आ जाता हूँ। और इधर से एक स्कैनर फोड़ने के बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे लेफ्ट साइड में एक बंदी या बंदा आ रहा है, ठीक है। और हाँ, SONS मेरे को दिख भी जाती है वो, लेकिन मैं इसको बड़े आराम से मार लेता हूँ 0 एफर्ट लगा के। वेल और तभी मेरे को यार पीछे से पड़ती है M82V का बहुत गंदा वाला,
पता नहीं कौन एमेटो भी चला रहा है, चला नहीं तो आती है नहीं इसको। अब उधर से सीधा मैं इस वाले बंदे के ऊपर रेस कर देता हूँ, क्योंकि यार ये बंदा जिस तरीके से एमेटो भी चला रहा था, मैं 199% श्योर हूँ कि यार ये बंदा नूबड़ा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको बॉडी शॉट मार के काफ़ी अच्छा खासा डैमेज कनेक्ट कर लेता हूँ इसके ऊपर और चले जाता हूँ क्लोज में। और ये बंदा आगे एक वॉल आ रहा था जिसको मैं तोड़ देता हूँ और इसका बेस भी टूट जाता है उस पर। और बेस तो इसका टूटना ही था क्योंकि यार कायरोस कैरेक्टर जो लिया है मैंने। अब उसके बाद तो मैं एक ताचो यूज करके सीधा उसकी जगह पे पहुंच जाता हूँ और खत्म, बड़े आराम से खत्म कर लेता हूँ इस वाले बंदे को भी। और इधर तक आते आते मेरा 3 किल हो गया था और अभी भी मतलब 12 बंदे अलाइव थे। तो इधर से मैं थोड़ा वो लूट एक बार वेंडिंग मशीन में जाके होमर खरीद लेता हूँ और इधर गार्डन की ओर आ जाता हूँ। और ऊपर स्कैनर में आप देख सकते हो मेरे अलावा 4-4 बंदे लोगों का लोकेशन रिवील हो रहा है। तो सामने की ओर एक बंदा था जिसको मैं बड़े आराम से काफी खतरनाक वाला डैमेज देता हूँ, लेकिन मैं इधर मेडिक करने लगता हूँ। और ऊपर स्कैनर में आप देख सकते हो एक बंदा मेरे तरफ आ रहा था, तो मैं इधर से सीधा निकल जाता हूँ और हाँ तुरंत फायरिंग आता है मेरे ऊपर और मैं इधर से एक होमर डिप्लो करता हूँ और उस वाले बंदे को मैं बड़े आराम से फिनिश कर लेता हूँ। और इसको फिनिश करने के बाद मैं इधर से पीछे की ओर चले जाता हूँ, क्योंकि यार कभी कभार ना पीछे हटना बहुत सही रहता है। और हाँ मेरे सीन में रहता भी है इधर, क्योंकि यार इधर मेरे सामने एक बंदा आता है तो मैं इसका रास्ता इधर ब्लॉक कर लेता हूँ। और उधर से मैं सीधा इस वाले जगह पे आता हूँ और इस वाले घर के ऊपर ना एक बंदा छुपा हुआ था, तो मैं इधर से टच यूज करके सीधा ऊपर चले जाता हूँ। और हाँ जैसे जैसे इस वाले बंदे को तो मैं फिनिश कर लेता हूँ। और इधर तक आते आते हम लास्ट में सिर्फ 3 ही बंदे बचे थे। अब इधर से मेरे को एक बढ़िया वाला एडवांटेज जो मिलता है ना कि अब आगे जो 2 बंदे हैं वो आपस में लड़के ख़त्म हो जाता है एक, तो मैं रश कर देता हूँ उस आखिरी वाले के ऊपर। और हाँ वो बंदी सेवन की ओर आ रही थी तो मैं इसको इजीली डाउन कर लेता हूँ इधर से। और हाँ इस वाली लड़की के पास सोनिया और डिमिटी थी तो ये मतलब रिवाइव हो रहे थे उधर, लेकिन मैं उसके पास जाके RSG मार लेता हूँ एक। और इसके साथ साथ मेरे को मिलता है एक शानदार सा बोया जिसकी वजह से मेरे को 71+ मिलता है। और ये ऊपर वाला क्या ये मेरे को नहीं पता, हाँ मतलब पहली बार देख रहा हूँ। खैर अब इस बारे में ऐसे गोल्ड 4 से मैं प्लैटिनम 1 में तो चला जाता हूँ। और आई गेस तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।